यार सो सेम से जी। ये देखो, गुड मॉर्निंग फन स्क्वाड, गुड मॉर्निंग चाचू। आज हम जा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग एडवेंचर पे, सारा का फेवरेट वाइल्ड लाइफ देखने के लिए। तो चाचू हमको ले जा रहे हैं, चाचू इट्स कॉल्ड दाचीगाम, नेशनल पार्क है यहाँ पे। तो अभी वहाँ जाके आपको दिखाते हैं। बस अगर आप श्रीनगर सिटी में हैं तो एक चक्कर यहाँ बनता है, बिल्कुल बनता है, क्योंकि बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है जो आपको, वैसे मैंने दिल्ली वगैरह में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। बट यस, देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, विंटर के मजे लेने के लिए पूरे इंडिया से लोग आ रखे हैं। और कल इतने सारी नेशनैलिटीज को हमने देखा, बॉम्बे से, बैंगलोर से, कैलकटा से, तो पूरा डल तो भरा ही हुआ है। आपने रात को भी देखा ही था, और अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ के नजारे आपको जाके दिखाते हैं। अबूद ने मुझे बताया कि अबूद लास्ट जब गया था, जब मैं छोटा था, मैं जब छोटा था। अबूद कब गया था लास्ट? हाँ, मुझे लगा तुम्हारे साथ ही गया था लास्ट। भागने लगे थे वो तो किसने बोला था कि वो बाद में वहाँ पे एक बंदा मिला, उसने बोला कभी आपको दिखता है बेयर वगैरह तो भागना नहीं चाहिए, उनकी स्पीड आपसे भी ज्यादा होती है, लगते मोटे हैं बट कभी भागना नहीं चाहिए। वो चीज रीमा के माइंड में स्टक अप हो गई थी, मुझे दोबारा जाके देखना है। तो गाइज ये देखो, ये है दाचीगाम नेशनल पार्क की एंट्री। वाओ, यू वर हियर लास्ट टाइम, सायरा भी तो आई थी। सायरा को छोड़ के हम कैसे आ सकते हैं? आई रिमेंबर व्हाइल शी वाज नॉट इवन बोर्न जब हम आए थे। नहीं, सायरा है यहां, मैं फोटो दी, सायरा थी यहां पे पक्का। ये देखो गाइज कितना सुंदर लग रहा है। तो ये सारे एनिमल्स वगैरह हैं यहां जो दिखते हैं। गाइज ये चेक करो, इतना प्यारा वेदर है, इतना ठंडा हो रखा है। और ये देखो, ये फ्रिज के निकाले हुए बर्फ के पीसेस नहीं है, ये हमारी जो ऊपर से पानी आ रहा है बहता हुआ, वो सारा फ्रीज हो गया। अबूद कितना, अभी टेम्परेचर कितना हो गया यार? जीरो हो गया होगा मुझे लग रहा है। देखो आपके फेवरेट वो गिरे हुए पीसेस उठाने, इसको स्मगल कर लो तुम। यस, और बहुत सारे, टेक दैट, इसको ले जाके ये चेक करो, ये सारा का सारा। तो ये है गाइस फिश फार्म, वन ऑफ द वेरी पॉपुलर वंस, ट्राउट फिश मिलती है यहाँ पे। सायरा आज आपको दिख जाएगा पूरा कैसे फिशेस, इंस्टाग्राम और रियल देखने में फर्क है, क्यों भाई अबू, है ना? रियल में देखोगे अभी आप, अलग एक्सपीरियंस है। अच्छा अभी देखो आप। तो गाइस ये देखो, ये है पूरी फिशरी, मर गए इसमें है ना। अच्छा पत्ते हैं, इतने सारे ट्राउट फिश, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे पॉपुलर है कश्मीर में ट्राउट फिश। और ये फिशरी है पे सारा, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है फिश ब्रीडिंग का, पूरा यहाँ पे आते हैं। तो ये है फाइनल बड़ी फिशेस। सायरा देखा है इतनी बड़ी ट्राउट फिश आपने कभी? अब आगे वाले में देखते हैं, आगे वाले में क्या है। कम बिना गिरे हैं। हाँ जी रीमा, क्या देखा? ओ है, मैं शार्क को इतना सरवाइव कर लेता हूँ तो फिशेज हैं बच्ची सी। ये मेरी शार्क फुट मसाज करा लेता हूँ, बैठ जाता हूँ यहाँ। ये तो और बड़े साइज के लग रहे हैं, है ना? बहुत बड़े साइज के। सायरा उनों को चाहिए होगा, ले लेगा, उन्हों सारे फाड़ देगा। ये बहुत बड़े हैं सारे के सारे, है ना? ह्यूज फिशरी और अंदर का जंगल देखने के बाद हम आ गए हैं दाचीगाम नेशनल पार्क। तो देखते हैं अंदर उन्होंने क्या क्या रखा है। वैसे तो कुछ एनिमल्स वगैरह हैं जो उन्होंने रखे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू करते हैं, ठीक करते हैं, फिर वापस डाल देते हैं जंगल में। अभी जाके चेक करते हैं दाचीगाम नेशनल पार्क। ये देखो ये सारे, ये सब यहाँ दिखते हैं ना? क्या हेयर स्टाइल? अच्छा इतना पुराना सिस्टम है, ये डैम सा छोटा सा बनाया हुआ, और ये महाराजा के टाइम का है यहाँ पे, जो अभी तक ऑपरेशनल है, चल रहा है। तू स्विमिंग करके मत आना वहाँ से। ये तो सायरा का पूरा वसूल हो गया, एनिमल्स तो हैं ही। हम लास्ट टाइम जब आए थे ये गेट नहीं था, सो आई थिंक ये नया बना है। ये नहीं था, है ना? हम तो बिल्कुल बिना गेट के, हम सामने था, वो सामने, हम सामने पेड़ के पीछे देख रहे थे, हम उसको पेड़ के पीछे देख रहे थे। ओ लोग देखो कैसे पहुंचे ना देखने। ये देखा, ये गेट नहीं था इधर। सो हम यहाँ पे जो, हाँ हाँ देखा था, हमने लेपर्ड देखा था लास्ट टाइम, यहाँ पे बेयर था। तो जो भी इनको छोटे छोटे एनिमल्स मिलते हैं उनको यहाँ ये रेस्क्यू करने के लिए यहाँ रखते हैं, ठीक करते हैं, फिर वापस डाल देते हैं जंगल में। लेपर्ड, ओह राइट है, या वो देखो लेपर्ड, ये देखो वाओ व्हाट अ ब्यूटी। और पूंछ देखो, मुझे नहीं पता था ब्लैक एंड व्हाइट पूंछ होती है। स्टिल एकदम स्टैचू देखा सायरा? ओ उठ गया वो, देख के उठ गया, उसको गुस्सा आ गया। स्ट्रेचिंग
है ये कोई तुम्हारा घर का वो नहीं है वो नो डॉगी नहीं है कुछ तो मिला चलो आ जाओ शारू देख लिया ना आपने हाँ ऊपर जाके बैठ गया आराम से उनों की तरह और देखो गाइस ये बहुत ही बड़ा इन्होंने वो बना रखा है उस तरफ भी आई थिंक बेयर के लिए है वो वहाँ पे लास्ट टाइम हमने दो भालू उस वाले एरिया में देखे थे और यहाँ लेपर्ड है तीन एक यहाँ है दो ऊपर है और आई डोंट नो यहाँ भी कुछ होगा बट कहीं कोई सो रहा होगा कहीं कुछ बट जितना बड़ा ये है ना आप चेक करो ये इन्होंने ऊपर वो भी बनाया हुआ है फुट ओवर ब्रिज भालू के लिए इधर से उधर जाने के लिए रिवा वो देखो फुट ओवर ऊपर वेट लेट मी ज़ूम इन ये तो इस वाले इधर से ऊपर घूम के दूसरी तरफ जाने के लिए यहाँ लिखा हुआ है डोंट टीज द बेयर्स इट्स एन ऑफेंस हाँ हाउ डू यू नो कौन सा अच्छा और ये देखो ये बेयर के लिए उन्होंने इतना बड़ा जो है सेटअप बनाया हुआ है इधर लेफ्ट वाला भी और ये राइट वाला भी पूरा बेयर के लिए है और यहाँ अंदर इनके ऑफिसर्स के कॉटेज भी हैं दिखा बिट मामू कुछ दो बैठे हैं ओ तो लेटा हुआ है ओ माय गॉड द चिलिंग दो हैं ये गाइस आप देखो जो लेजी भाई था हमारा वो उठ गया उन्हों की याद आ गई बेटा तुझे देख के ये पानी पीने जाएगा और पानी यहाँ सारा फ्रीज हुआ हुआ है वाव वो जो आए अंदर गए अभी तभी इसको पता चल गया कि खाना देंगे यहाँ पे बहुत ही सुंदर बनाया हुआ यार अलग ही फील है हाँ कुछ ना कुछ होगा सहरा को मिलने आ गया ये तो इधर ही आ गया मिलने के लिए बनाऊ मिल लो धूप सेक लेता हूँ ये तो इधर धूप की मुंह करके सनबेथिंग करने के लिए बैठ गया सनबेथिंग देखो दोनों ये चलो तो चाचू हमको ले आए कहाँ है चाचू ये अमीगोस तो यहाँ का KFC मैकडोनल्ड्स सब फेस करके हजरत बल अमीगोस सो अमीगो जो है बेसिकली मैकडोनल्ड्स KFC कश्मीर का सब खा चुका है ना इतना पॉपुलर है और इनफैक्ट हमको बाहर वेट भी करनी पड़ी जगह पूरी फुल है जैम पैक्ड है बट खाना इतना अच्छा है सायरा इज ऑल्सो एंजॉइंग हाँ सायरा हाउ इज इट क्यों रिमा ये खाने वालों में से नहीं है ऐसे तो अगर आप कश्मीर आ रहे हैं अगर आपको दिल्ली वाला खाना या पिज्जा बिरयानी वो सब चीज़ें मिस कर रहे हैं तो अमीगोज एक बार ज़रूर चक्कर लगाएं ये हमें स्पेशली रेकमेंड किया था अबूद ने कि हमें पिज्ज़ा यहाँ पे खाना चाहिए तो पिज्ज़ा तो हमने ऑर्डर किया ही है नज़र हमारी लोगों की बिरयानी पे भी पड़ी बहुत सारे लोग बिरयानी खा रहे थे तो हमें लगा हम भी बिरयानी ऑर्डर कर देते बट एक्चुअली में इट इज़ वाओ डिलीशियस यस ओके तो चलो अब आ गए हम डल राइड लेने के लिए शिकारा राइड चलो यार आज ही चलना है आज ही चलना है गिरना नहीं है वरना ऊपर वाला मेरी सुन लेगा चलो चलो चैंपियन सारे बैठ गए सारे सेट हो गए हम निकले आराम मम्मा कोई बात नहीं वी लीव हर हियर मैन गेट अ न्यू मम्मा क्यों आई विल पुश यू इन व्हाई आई एम गेटिंग अ नाइस मम्मा फॉर यू व्हेन यू सेइंग लाइक दैट टू पापा चलो सारा ओ मेरा बैलेंस शेड हो गया रे मु तुम्हारा भी अरमान है जस्ट वी आर सो सेम से जी very very old houseboat और यहाँ पे पता है जितने पॉलिटिशियंस वगैरह थे सब यहाँ पे आए हुए हैं पहले अरुण अभी खुला ना हो मास्टर बेडरूम लास्ट में था जहाँ हम रुके थे सो अगर वो खुला रहेगा आपको दिखाता हूँ अब ठंड होगी बिट मामू शाम होते हो ठंडी ठंड में स्पेशल चाय मिल गई हाउस बोट में चाचू लिटिल हार्ट्स सायरा इज इट कोल्ड देखो मुझे क्या लग रहा है उंगलियां तो ऐसे हो गई ऐसे फ्रीज हो गई अब हाँ शाम के टाइम पे ज्यादा वो हो गया और मैंने अभी जिससे स्टर चम्मच जिससे स्टर किया ना ये चम्मच भी ऐसा लग रहा है फ्रिज से निकाली हुई सच में हाथ लगा के देखो ये देखो टच करो
तो पानी में बने हुए एंटीक हाउस, सच एंटीक हाउस। अब हो गया घमासान फाइट शुरू भट फैमिली की। कौन जीत रहा है? सबसे ज्यादा चीटिंग कर रहा है शेरलॉक होम्स। सब चीटिंग कर रहा भाई सबसे ज्यादा। तेरे से उम्मीद नहीं थी मेरे को ये चीटिंग करने की भाई, ये बड़ी गलत बात है। हम जीतेंगे। That was a close call. अब मैं आ गया, मैं सबको हरा दूंगा। किसकी टीम से खेलना बोलो? इनकी? Yeah, he's literally cheating. अच्छा तो मैं और सऊद एक टीम में। ये रेफरी भी मुझे बाहर लेके जा रहे वॉक करके। ऑलमोस्ट गया। मैं ले जा, मैं तो जा। You still have a chance. कैसे नहीं जाएगी वो टीम?